तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं डोसा। डोसा बनाने के लिए हमने उड़द दाल लिया है, 3 कप उड़द दाल, 1 कप चावल और मेथी के दाने। रात में फूलने के लिए रख दीजिए और सुबह में पीस लीजिए। ये मैंने उड़द दाल की पेस्ट बनाई है। उड़द दाल को मैंने अलग पीसा था चावल से। उड़द दाल की पेस्ट काफ़ी गाढ़ी होती है, तो पतले से चावल के घोल में आप उसको बाद में मिला लें और कंसिस्टेंसी चेक करें कैसी हो रही है। अब बढ़िया से फेंटिएगा। फेंटने के लिए आप कांटे वाले चम्मच का उपयोग कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अलग से कोई नॉन स्टिक पैन की ज़रूरत नहीं है। बस इस घोल में थोड़ा नमक डालिए, कोई सोडा कोई ना पाउडर नहीं, और लोहे के तवे पर ही बनाइए। लोहे के तवे को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। थोड़ा तेल लगाने के बाद पानी के छींटे मारिएगा और इसके बाद इस बैटर को उस पर स्प्रेड कर दीजिएगा। आप प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा देसी नुस्खा है। देखिए, हो गया हमारा डोसा तैयार। अब हम बना रहे हैं चटनी। चटनी बनाने के लिए हमने बादाम लिया है, चना दाल लिया है, नारियल लिया है, मिर्चा लिया है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है। सबको तेल में हल्का सा भून लिया, आधे घंटे के लिए पानी में डालकर छोड़ दिया और फिर इसका बना लिया पेस्ट। चटनी थोड़ी गाढ़ी थी। अब मैं बना रही हूँ चटनी का तड़का। इसमें तेल है, लाल मिर्च है, राई के कुछ दाने हैं और इनको अच्छे से भूनने के बाद हम इसे करी पत्ते डालकर चटनी के ऊपर तड़का लगा देंगे। हमारी चटनी भी हो गई तैयार। अब हम बनाने वाले हैं मसाला डोसा के लिए। इसके लिए मैंने प्याज लिया है, बादाम लिया है, करी पत्ता लिया है, मिर्चा लिया है और इसको सरसों के तेल में हल्के हल्के आँच पर भून लिया। आप इसमें आलू डाल दीजिए। कच्चे आलू को हल्के हल्के भूनने दीजिए। आप कोई सा भी मसाला यूज़ कर सकते हैं, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आदि। तब तक मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और एक बुक दिखाती हूँ। ये है रसिन रथी, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई। इसकी कविताएं इतनी अच्छी हैं रामधारी सिंह दिनकर की, मैं अपने शब्दों में तारीफ़ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं है। वो बहुत ही एक अनमोल कवि थे। उनकी एक कविता है, हो जिसे धर्म से प्रेम कभी वह कुत्सित कर्म करेगा क्या, बर्बर कराल दृष्टि बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुज के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे हैं, हम बढ़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। अब ज़रूर ये बुक पढ़ें और मुझे बताएं। तब तक हमारा आलू का मसाला भी तैयार हो गया और ये हो गया हमारा मसाला डोसा तैयार। कैसा दिख रहा है ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगा। आप साथ में इसके कोई अचार भी ट्राई कर सकते हैं। ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की किताबें पढ़ते रहें। थैंक यू।